नोटबंदी के बाद शहरों में तो दिक्कत हुई है, गांवों में छोटे छोटे चौराहों पर भी काफी दिक्कत हुई है। इन सबके बीच एक नया तरह का रोजगार गांव में शुरू हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप जरा एक बार इसको देखिए, आप शायद देख के आप शायद अनुमान ना लगा पाए कि ये किस चीज की दुकान है। दरअसल हाँ बोलिए गर्मागरम श्याम से गर्मागरम दरअसल ये जल्दी आवो गर्मागरम। दरअसल ये बाइक पे चलती हुई एक पूरी दुकान है। गांव में अक्सर होता है कि फेरी वाले या लोग बेचने आते हैं। ये जो हमारे साथ हैं, ये कभी इन्होंने गांव में आके कभी ऐसे सामान नहीं बेचा, लेकिन नोटबंदी की वजह से इनके जहां पे दुकान करते हैं वहां पे काफी दिक्कत है, वहां पे पैसे नहीं आ रहे लोगों के पास, इसलिए गांव में मोटरसाइकिल लेके निकले हैं। और मोटरसाइकिल पे साथ में इन्होंने एक डब्बे में कुछ समोसे रख लिए हैं और पीछे एक शख्स है जो बार बार आवाज दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं समोसा समोसा, और ये गाँव में समोसे बेच रहे हैं। इनसे एक बार बात करते हैं कि आखिर एक बहुत मुश्किल होता है जब आप शहर में कोई काम कर रहे हो और वहां ना बिक रहा हो, फिर आप गांव में आके जो है समोसा आपको बेचना पड़े भी घूम घूम के, बाइक पे आप समोसा बेच रहे हैं, तो बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जगरूप। तो जगरूप, आप ये पहली बार कर रहे हैं या पहले कभी कर चुके हैं? ना ना, अभी तो चालू किया है, 8-10 दिन हुआ। तो वजह क्या थी? वजह क्या, दुकान में धंधा पानी होता नहीं है तो फिर हमने सोचा घूम घूम करके बेचे, बस ये की यही वजह है। मंदी का माहौल है, लोगों के पास पैसा नहीं है, यही तकलीफ की वजह से अपना घूम घूम के धंधा चालू कर दिया, फिर भी वो धंधा पानी नहीं हो रहा उतना। तो आपने हमने से इनसे बात की और आपने देखा कि नोटबंदी की वजह से लोगों को कितनी मुश्किल हुई है। एक और फेरी वाले हैं सामने खड़े हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे ही बात करेंगे इससे। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? हनीफ। हनीफ, ये बताइए आप क्या बेचते हैं गाँव में? सब्जी बेच रहे हैं, आलू फूल भाटा टमाटर लहसुन प्याज अदरक यही सब बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो नोटबंदी हुई उसके बाद आपको कैसे कुछ दिक्कत हुई या नहीं हुई? अब दिक्कत का आदमी लेते नहीं तो क्या करे, अब कोई ले लें तो ले लें, लो से नहीं कर दे को भरे तो फिर रहे हैं। अच्छा आमतौर पे मान लीजिए नोटबंदी नहीं थी, आज से 2 महीना पहले करी अक्टूबर मान लीजिए, तो महीने में आप कितने तक का सामान बेच लेते थे? अरे तब तो बिक गया तो 50 माने 500 का 400 का 600 का और 800 का। और अब क्या हाल है? अब का हाल अभी तक पने 250 रुपए पने सब सब फिर 10 गांव घूमी है, सामान नहीं दिख रहा। तो आपने देखा कि दोनों जो दुकानदार थे जो गांव में घूम घूम के फेरी में बेचते हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है। एक मजबूर होके गांव शहर से गांव में आके समोसे बेच रहे हैं, एक जो सब्जी बेचते थे गांव में उनका कारोबार लगभग आधा हो गया है। दरअसल हम इस पाराधनई एक गांव है और फतेहपुर जिले में है, विधानसभा यहाँ का जहानाबाद है वहाँ पे है, और यहाँ पे हम दरअसल हम यूपी का मूड जानने, यूपी इलेक्शन में क्या चल रहा है उस पर हम जानने लोगों से बात करने आए थे। यहाँ पे दो वाकये हमें मिले। अभी मैं जहाँ पे हूँ वो एक मुस्लिम इलाका है, इस गांव में वैसे बाकी जातियों के भी लोग हैं लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे अभी कुछ घर मुस्लिम घर हैं, उनसे भी बात करते हैं और उन लोगों से भी पूछते हैं कि उन्हें कोई परेशानी हुई या नहीं हुई। आपका नाम क्या है? नबी बख्श है हमारे साथ। अच्छा ये जो नोट बंदी हुई, बड़े नोट बंद किए गए, इससे आपको कोई परेशानी हुई? हाँ, हमको परेशानी हुई कि हम किसान हैं, हमको खाद नहीं मिल पाती है, सिक्के विभिन्न पूर्व पहुँचते सिक्कों से कोई सौदा देता नहीं, बड़ी दुकानदार वाले जैसे खाद वाले हैं खरी वाले हैं, पशुपालन में परेशानी और खेत की सींच देने में और खाद में परेशानी है, खाद नहीं मिल पाती है इन पैसों से, पैसा है ही नहीं तो देते ही नहीं। अच्छा और भी लोग हैं, किसानी बर्बाद हो रही है हमारी। अच्छा अच्छा, फसल बोने में आपको लेट हुआ, मतलब गेहूं का बीज आपने बो दिया या बिना खाद के बो है साहब कहाँ फिन जाए? मतलब आप ये समझिए कि अगर बिना खाद के बोए हैं तो पैदावार कम होगी, क्योंकि खाद से थोड़ी पैदावार बढ़ जाती है, फसल थोड़ी जल्दी बढ़ती है, तो ये एक तरह से किसानी का नुकसान है, आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अंसार है। क्या प्लीज बोलिए थोड़ा। अंसार अहमद। अच्छा ये जो नोटबंदी हुई, बड़े नोट बंद किए गए, उससे आपको क्या दिक्कत हुई? बड़े नोट से बंद होने के ये दिक्कत हुई कि हम हमारे घर में 23 तारीख को शादी थी। 23 नवंबर को? हाँ 23 नवंबर को। तो हमको बैंक में पैसा नहीं मिल पा रहा था, हमसे बैंक मैनेजर से मजे की वार्तालाप हुई, तो वार्तालाप होने पे बैंक मैनेजर जो है तो क्या अब सर नंबर 1 का पैसा उसमें जमा है, कोई अभी का पैसा जमा किया हुआ मैं नहीं उठा रहा था। मेरा धीरे धीरे करके किसान आदमी थोड़ा थोड़ा करके
अपने अपने खातों में डालते रहें, तो वही इकट्ठा करके कि बिटिया की शादी में हम लोग अपना पैसा उठाएंगे। इसलिए जब हमारा टाइम आया 23 तारीख को उठाने का, तो वहाँ नोटबंदी के कारण वहाँ पैसे नहीं मिल रहे थे। तो हमको जब बताया कि हमारे घर पे शादी है, तो हमको 5,000 रुपये दे रहे थे। 5,000 रुपये देने में हमने सर ये कहा कि क्या हमको क्या ये सल्फा खाने के लिए दे रहे हो क्या? जहाँ की शादी में 2,00,000 रुपये लगता है, और वहाँ पे तुम हमको 5,000 रुपये दे रहे हो, तो क्या क्या कर रहे हो? अच्छा, आपने देखा जिनके घरों में शादी थी या कोई फंक्शन था, वहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत हुई। एक महिला है, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई। अच्छा, नोटबंदी जो हुई, बड़े नोट बंद किए गए 1,000 और 500 के, तो आप लोग को दिक्कत हुई, आपको हुई? दिक्कत है ये बाबूआ, पैसा नहीं मिला तो दिक्कत है ये खेती बहुत के पर ये खाद बगैर तो का होना है, कुछ फायदा ना हुई। अच्छा, पैसा नहीं है तो दिक्कत है ये। एक चीज और हम लोगों ने जब कुछ लोगों से और बात की, तो एक और बात खुल के आई जो कि यहाँ के बैंक 500 रुपये से ज्यादा आपको दे नहीं रहे हैं। ऐसे कानून नियम बहुत सारे हैं कि आप 2,000 निकाल लीजिए, 2,500 निकाल लीजिए, जिन घरों में शादी है वो 2,50,000 तक निकाल लें, एटीएम से आप 2,000 निकालिए, 4,000 निकालिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे बैंकों में बहुत पैसा नहीं होता है और बहुत लोगों को देना होता है, इसलिए गाँव वालों से कहा गया, इन लोगों से कहा गया कि आप 500 से ज़्यादा का विड्रॉल मत भरिए। तो अब आप सोचिए कि 500 रुपये में जिंदगी कैसे चलेगी। अगर ये है गाँव का हाल, अगर आपको भी कुछ लगता है, आपके इलाके में क्या हाल है, आप भी हमें जरूर बताइए।